आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुंबई डॉक यार्ड में उद्योगपोत INS रणवीर में विस्फोट, भारतीय नौसेना के 3 सैनिक शहीद। पुलिस कमिश्नर से नेता बने असीम अरोड़, रेल मंत्री अश्विनी और बीजेपी सांसद अपराजिता से लेते हैं टप्स, कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। ओमिक्रॉन ने पेट्रोल और डीजल पर डाला असर, एलपीजी की बिक्री बढ़ी। बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को SC की फटकार, दोपहर 2 बजे तक किया गया तलब। टेस्ट सीरीज में मिली हार की टीस मिटाने उतरेंगे टीम इंडिया, KL राहुल के सामने बड़ा चैलेंज। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। खबर औरैया से है, जहां पर बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए संयुक्त चिकित्सालय में अब बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को पहले यह बूस्टर डोज लगाई जा रही है, इसके उपरांत अन्य सभी लोगों को यह बूस्टर डोज लगाई जाएगी। चिकित्सक द्वारा जानकारी दी गई, जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी है उन्हें बूस्टर डोज दी जा रही है। साथ ही संयुक्त चिकित्सालय में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बूस्टर डोज और क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस सभी लोग लगवाएं, ये सबसे बड़ी सलाह है कि ये महामारी से बचने के लिए दो जरूरी है। यहाँ पे 100 लोग आ चुके हैं, उनको 100 लोगों को लग चुका है यहाँ वैक्सीनेशन, और कोवैक्सीन भी लग रही है, कोविशील्ड भी लगवा रहे हैं, दोनों डोज चल रही है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आ रहे उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और जो लोग करा के आ रहे उनका भी किया जा रहा है। तीसरा डोज था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी किया है। प्रदेश में कोई भी पार्टी नुक्कड़ सभा व रैली नहीं कर सकता है, लेकिन सीतापुर के अंदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने एक नुक्कड़ जनसभा के माध्यम से लोगों को संबोधित किया, जिसमें आदर्श आचार संहिता और COVID-19 प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने प्रत्याशी समीना शफीक से आचार संहिता और COVID-19 के प्रोटोकॉल के बारे में जब पूछा, तो प्रत्याशी ने बताया कि यह सारी भीड़ हमारे आने से आ गई है, पर समाज के प्रतिनिधियों द्वारा इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है। यूपी के संभल में नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और रामपुर के सांसद आजम खां के करीबी माने जाने वाले सपा नेता कौसर अहमद पर वाहन खरीद में घोटाला कर 42 लाख की धनराशि गबन करने का आरोप में GM ने आदेश पर FIR किए हैं। बता दें कि सपा के पूर्व चेयरमैन द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई थी, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर SP चक्रेश मिश्र ने बताया कि संबल नगर पालिका परिषद के EO के द्वारा की गई तहरीर के आधार पर पालिका के पूर्व चेयरमैन और कौशल अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तय सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संबल की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन कौशल अहमद के विरुद्ध 409 धारा IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो भी तथ्य हैं तथा जो सरकारी दस्तावेज हैं उनके आधार पर। खबर हाथरस से है, जहां के बहुचर्चित हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार ने कांग्रेस को टिकट दिया, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पीड़िता के भाई ने कांग्रेस के टिकट देने के बारे में कहा कि कांग्रेस ने हमें टिकट देने के लायक समझा, उनका हम स्वागत करते हैं, हमारा मामला भी न्यायालय में चल रहा है और 1.5 साल हो गया है, अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस के किसी भी नेता ने या पार्टी पदाधिकारी हमें टिकट की कोई बात नहीं करी, सिर्फ लोगों से सुना है कि कांग्रेस टिकट दे रही।
देवरिया के वैष्णवी हॉस्पिटल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक नवजात बच्ची को 1,00,000 रुपए का जीवन बीमा पॉलिसी डॉक श्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के योगदान से दिया गया, जिसको लेकर विभा सिंह का कहना है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को देखते हुए हमारी संस्था से बच्ची के नाम से 1,00,000 का बीमा दिया गया है। यह बीमा बच्ची के 20 साल होने के बाद ही परिवार वालों को 5,00,000 मिलेगा। तो वही बीमा को पाकर परिजन बहुत खुश हुए। दूसरी बच्ची है जी, और हम विभा सिंह हॉस्पिटल में हैं। और क्या आपको मिला है? ये मिला है, हमारे बेटी के नाम से बीमा मिला है। ऐसे कौन दिया है? ये डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल के थ्रू मिला हम लोग। मैं संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी पेशेंट का फीमेल चाइल्ड पहला भी है और दूसरा भी होता है तो डॉक्सी सर्विसेज के द्वारा जो बीमा करवाई जाती है, ठीक है ना, जो 20 साल के बाद ये सर्विस, मतलब जो डॉक्सी सर्विस के द्वारा बीमा जो होता है पूरा हो जा रहा है, ठीक है ना जी। तो उस बच्ची को मतलब इस बीमा के द्वारा जो फंड होता है जैसे 550 बता रहे हैं वो पूरा हो जाने के बाद इनको मिलने वाला है, ठीक है ना। और महिलाओं की सुविधा को देखते हुए लार जैसे क्षेत्र में इतना सुविधा मिल रहा है, यहाँ के जनता को मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी सर्विसेज कही जाएगी। एक तो फीमेल चाइल्ड और दूसरी उसकी एक अच्छी सी मतलब। वहीं उन्नाव में दही थाना क्षेत्र के स्लॉटर हाउस में एसडीएम ने मवेशी उतार कर निकल रहे ट्रक को पकड़ा है। मामले को लेकर एसडीएम ने बताया कि स्लॉटर हाउस से मवेशी उतर कर एक वाहन निकल रहा था जिसकी रजिस्ट्री में एंट्री नहीं थी और परिसर में गंदगी भी काफी फैली थी। एसडीएम ने बताया कि इस महीने से सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी और पुलिस ने 3 कर्मियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही 1 घंटे तक चली जांच के दौरान एसडीएम ने कई कर्मचारी से पूछताछ कर बिंदुओं पर जांच की है। स्लॉटर हाउस में जांच की गई, मौके पर रिकॉर्ड्स में किसी भी वाहन की उपस्थिति का विवरण अंकित आज की तिथि में नहीं था, जबकि मौके पर एक वाहन चालक उपस्थित मिला। उसके द्वारा बताया गया कि वो स्लॉटर हाउस में पशुओं को उतार करके वापस जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया इस प्रकार की अनियमितता की स्थिति मिली है और जिसके संदर्भ में यहां से लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत रात्रि गश्त व चेकिंग के दौरान संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसपुर नहर पुलिया के पास 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 10 किलोग्राम चरस बरामद किया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25,00,000 रुपए है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा पुलिस की टीम उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। थाना हैदराबाद क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि में चेकिंग के दौरान एसओजी टीम एवं हैदराबाद पुलिस के द्वारा बड़ी अच्छी बरामदगी की गई है। इनके द्वारा 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। ये तीनों लोग बाइकों से जा रहे थे और अपने बैग में 10 किलो चरस छुपा के ले जा रहे थे। आधा आधा किलो के 20 पैकेट चरस बरामद हुई है। 2 अदद मोटरसाइकिल भी इनके कब्जे से मिली है। गोरखपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर में लूट और चोरी करने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 16 जनवरी को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से मोटरसाइकिल के साथ 3 लूटे हुए मोबाइल फोन एवं 1 तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। घटना में शामिल दूसरे आरोपी कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपी शहर में घूम घूम कर अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। दिनांक 16/1/22 को मोगलहा से 2:55 पर दोपहर में एक सूरज कुमार सैनी हैं, उनके घर से उनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक गुलरिया और उनकी टीम द्वारा प्रयास करके 18 तारीख को एक अभियुक्त सफीक उर्फ कोयल की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल और 2 अदद मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये लोग मोबाइल चोरी भी करते हैं। इनका एक साथी कैंट थाने से गिरफ्तार हुआ है।
फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र के झील की पुलिया के समीप कटे बरी चौराहे पर एक कपड़े की दुकान में लगी अज्ञात कारणों के चलते भयंकर आग। इस आग में लाखों का नुकसान हो गया है। आग की लपेट इतनी ऊंची थी कि आसपास के लोगों ने अपने घरों से बाहर आकर अपनी जान बचाई। तो वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों और पुलिस व जनता के सहयोग से भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रात को 11 बजे एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके वजह से काफ़ी नुकसान हो गया और मौके पर दमकल की दो बड़ी गाड़ियां, एक छोटी गाड़ी और पुलिस की 3-4 गाड़ियां आईं। तत्काल ही बिजली जो है इलाके की बिजली काट दी गई थी और उसके बाद अभी सब कुछ शांत है। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ का कस्बा जलाली से सब्जी लादकर मंडी जा रही मैक्सी लोडर तथा अलीगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक से में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए तथा मैक्स लोडर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। काफी देर तक पुलिस न आने पर चालक मैक्स में फंसा रहा। ग्रामीणों ने फंसे हुए घायल चालक को निकाल कर उपचार हेतु अस्पताल भेजे। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ये पेड़ बचाने के चक्कर में सामने से मैक्स आई है और उन्हें में कांड हो गया। तो ये भूसा का ट्रक है इसमें? भूसा का। और मैक्स में क्या था? वो सब्जी भरी हुई है उसमें। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ जा रही थी पता कुछ? ये जलाली से मुझे सब्जी मंडी। और इसमें किसी के चोट तो नहीं आई? ड्राइवर के चोट है मैक्स वाले के। कितनी देर दबा रहा ड्राइवर उसमें? ड्राइवर दबा रहा आधा। तो ये रही उत्तर प्रदेश बुलेटिन। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।